सो ये गाइस, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ग्रो होल्डिंग्स है सो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ गाइस। और ये वीडियो का पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने जस्ट एक नॉर्मल बताया था, बट आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ग्रो डीमेट अकाउंट है सो उसके बारे में बताने वाला हूँ कि आप लॉन्ग टर्म तक इसमें आप होल्डिंग कर सकते हो कि नहीं, होल्डिंग कैसे करना है, क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए चार्जेस देना पड़ेगा, एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा, मंथली चार्जेस देना पड़ेगा। सो जो भी आपके डाउट्स है ग्रो डीमेट अकाउंट के बारे में सो आपको इस वीडियो में पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए गाइस, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपका डीमेट अकाउंट नहीं है सो आप अपने ग्रो में फ्री में अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि ग्रो एक ऐसा डीमेट अकाउंट है जो कि आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ता है एक्स्ट्रा। जो सिर्फ आप जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, होल्डिंग करोगे सो जब आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है, बट मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको जो होल्डिंग्स क्या रहता है सो कैसे क्या चार्जेस लगता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक कोई भी शेयर्स लेके उसको होल्ड करना है सो आपके लिए ग्रो एकदम बेस्ट रहेगा। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सिंपल आप उस पर क्लिक करके अगर डीमेट अकाउंट ओपन करते हो सो आपको 100 रुपए एज ए रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो सिंपल आपको उस पर क्लिक करके अपना जो भी डीमेट अकाउंट है सो उसको ओपन कर लेना है। बाकी चलिए, मैं भी आपको जो भी होल्डिंग्स है सो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। सो सिंपल आपको होल्डिंग्स देखने के लिए सिंपल आपको आ जाना है इन्वेस्टमेंट में। सो गाइस, जैसे आप इन्वेस्टमेंट में आते हो सो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो होल्डिंग्स है 9 कंपनी का मैंने होल्डिंग्स किया हुआ है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू देख सकते हो, यहाँ पे 10,070 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और जो कि रिटर्न है सो यहाँ पे टोटल रिटर्न देख सकते हो 1,900, यानी 2,000 रुपए के करीब, 20% के करीब मुझे रिटर्न मिल रहा है अभी। और जैसे वो मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मार्केट किस टाइप से परफॉर्म कर सकता है सो मार्केट के ऊपर हमारा जो रिटर्न रहता है वो रहता है। बाकी यहाँ पे अभी मैं आपको कंपनी दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी 9 कंपनी है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो पहली कंपनी है जो कि स्वास्थ्य का विनायका कंपनी, तो इसका देख सकते हो 100 शेयर मैंने लेके रखा हुआ है। और इसमें इन्वेस्टमेंट देखोगे जो कि 0 है, क्योंकि जो शेयर थे इन्होंने इस कंपनी का मैंने 500 शेयर लिया था। जो 500 शेयर्स पे इसका स्प्लिट हुआ था, यानी स्प्लिट का मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लीजिए इस कंपनी का 10 शेयर्स लेके रखा हुआ है और कंपनी बोलती है कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं सो आपको 10 शेयर्स पे 2 शेयर्स 3 शेयर्स एक्स्ट्रा दे देती है फ्री में। सो इस टाइप का मुझे 142 शेयर्स मिले थे जो कि मैंने 100 रखे अभी, और 42 शेयर्स मैंने इसको सेल कर दिया था। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए 0 दिखा रहा है जो कि रिटर्न पूरा 1,370 रुपए हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे टेक्सटाइल, ये दोनों टेक्सटाइल कंपनी है सो यहाँ पे देख सकते हो 51 शेयर इसका भी मैंने लिखे रखा हुआ है। मल्टीवेगर स्टॉक बोल सकते हो इसको, क्योंकि अभी इनका जो रेट करंट प्राइस देखोगे 14.30 पैसे चालू है। और इसका आप देख सकते हो रिटर्न 87 पॉइंट, और इसमें मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया फिक्स 42 रुपीज का। सो इस टाइप से आप होल्डिंग कर सकते हो। सिंपल होल्डिंग के लिए आपको कुछ करना नहीं। होल्डिंग क्या बोलते हैं कि आप किसी भी कंपनी का शेयर को बाय करके रख दो, उसके बाद आपका होल्डिंग हो जाता है, तो उसी को होल्डिंग बोलते हैं। बाकी और किसी को कुछ होल्डिंग वगैरह बोलते नहीं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फिनोटेक्स केमिकल। सो गाइस, इसका मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 464, यानी 20% मुझे रिटर्न मिल रहा है। और इसका मैंने एवरेज यहाँ पे देख सकते हो 126.50 पैसे पे मैंने इसका बाय किया था। और उसके बाद अभी यहाँ पे देख सकते हो 150 रुपए हो गया है। और कंपनी का मैं अगर आपको फंडामेंटल दिखाऊं तो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, सो आप भी इसको एज अ आपके पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो मैं आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूँ, इस टाइप से आप डिटेल्स भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाता है इस टाइप से। सो यहाँ पे इस टाइप का मैंने 2 शेयर इसका लेके रखा हुआ है। रिलायंस कम्युनिकेशन का भी 10 लिया है, टाटा पावर का 10 लिया है। सो इस टाइप से आप जो भी आपका मतलब फेवरेट है या फिर आपको लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जो फंडामेंटल कंपनी अच्छी हो, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है सो उसके जरिए भी आप कर सकते हो। पर अगर आपको फंडामेंटल चाहिए सो उससे भी आप कर सकते हो, बट आपको मतलब कंफर्म होना चाहिए तभी आपको जो भी पोर्टफोलियो उसको होल्डिंग करना चाहिए। सो बाकी यहाँ पे देख सकते हो टोटल ओवरऑल मुझे कुछ यहाँ पे लॉस नहीं है, टोटल मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे 2,000 रुपए का। सो इस टाइप से आप जो भी होल्डिंग करोगे सो अगर आपका सही से सिलेक्शन कर लेते हो स्टॉक का सो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। बाकी चलिए मैं भी आपको चार्जेस के बारे में बताऊं। सो यहाँ पे होल्डिंग के लिए 0 चार्जेस रहेगा, आपको जब भी आप सेल करोगे तब आपको चार्जेस देना पड़ेगा, या जब ब्रोकरेज का कुछ चार्जेस वगैरह रहता है जो नॉर्मल तब आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बाइंग के लिए भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा, बट आपको होल्डिंग के लिए कोई भी आपको ना मंथली चार्जेस देना है ना एनुअली चार्जेस देना है। सो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर्स को लेके एज अ होल्डिंग कर सकते हो। सो गाइस, मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और एकदम इजी है गाइस। और बाकी आप अपस्टॉक का हो गया, जीरोधा का हो गया, सो इनका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट ग्रो का देखा जाए तो पूरी तरह से इजी है। इस पे मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, सो आप आसानी से कोई भी शेयर्स को लेके एज अ होल्ड कर सकते हो। बाकी चलिए मैं भी आपको और भी जो ट्रांजेक्शन है उसमें दिखा देता हूँ कि कितना क्या
ब्रोकरेज वगैरह लगता है, सो आपको और भी इजी हो जाएगा। सो गाइस जो ट्रांजेक्शन है सिंपल देखने के लिए आपको आ जाए इस पे फ्रंट पे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑल ट्रांजेक्शन सिंपल, इस पे क्लिक कर देना है। सो उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करता हूँ इसमें, और फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। सो इसमें आपको पूरा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है मुझे कितना क्या प्रॉफिट हुआ है 15-20 दिन में मैंने ट्रेडिंग किया था, और क्या आपको करना चाहिए अगर आपके पास मार्जिन 2000, इसमें एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। सो मैं आपको पूरा उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट इसमें मैं आपको सिर्फ होल्डिंग का दिखा रहा था। सो बाकी चलिए मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ, हाँ अभी डीपी चार्जेस की बात कर लेते हैं। सो मान लीजिए अगर आपने दो कंपनी का कोई भी शेयर्स को आज बाय कर लिया, और उसके बाद आपको 1 महीने में या फिर 1 साल में उसको सेल करते हो, सो जब भी आप सेल करोगे सो आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। आपके क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, कंपनी पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए अगर आपने एक कंपनी का बेचा तो आपको उस पे इतना डीपी चार्जेस इतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। 15.93 पैसे यानी 16 रुपए आपको डीपी चार्जेस देना पड़ता है। सो जितनी कंपनी का होगा उतना आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। सो गाइस अगर ब्रोकरेज की बात करें, सो 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले जो यहाँ पे देख सकते हो रिसीव फ्रॉम स्टॉक, यानी मुझे मैंने कुछ यहाँ पे सेल जो शेयर थे उसको सेल किया था। सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारे शेयर्स को सेल किया था। सो यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से 5-6 कंपनी का मैंने जो शेयर था उनका सेल किया था। सो यहाँ पे देख सकते हो चार्जेस की बात कर ले, सो एसटीटी यानी जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस रहते हैं, सो यहाँ पे 11 रुपए लगा, एक्सचेंज चार्जेस लगा 0.38 पैसा, और जो ब्रोकरेज देखोगे सो यहाँ पे 5.51 पैसे। सो यहाँ पे बहुत कम ब्रोकरेज लगता है, कुछ ज्यादा ब्रोकरेज लगता नहीं। सो इसी टाइप से आप भी देख सकते हो, और होल्डिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। सो आप इसमें डेफिनेटली होल्डिंग कर सकते हो किसी भी कंपनी का। तो गाइस मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आपको 2022 में स्टार्ट कर ही देना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट में, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने कोई भी अच्छी कंपनी पकड़ लिया और उसने अच्छा एक रिटर्न देना चालू कर दिया, तो आपको बहुत सारा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, एफडी से तो कई गुना मिल जाता है, और म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो आप। सो मैं आपको दो कंपनी बता देता हूँ अभी, सो उनमें आप कंसिडर कर सकते हो, बट आपको उससे पहले खुद का रिसर्च कर लेना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट में करना है। क्योंकि आपको पता है जहाँ ज्यादा रिस्क रहता है वहां पे रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है, बट रिस्क भी उतना ही रहता है। सो चलिए मैं भाई आपको जो दो कंपनी है सो मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, बाकी आप भी अपनी रिसर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड गाइस दोनों कंपनी केमिकल कंपनी है, और ये केमिकल इसीलिए इसका रेट बढ़ रहा है क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रिक का आ रहा है, सो उसमें जो बैटरी रहती है सो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का भी यूज होता है। सो बाकी इससे भी कुछ रिलेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे जो कंपनी है मैंने सिर्फ इनका फंडामेंटल देखा है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नाम नार पॉली फिल्म्स। अभी यहाँ पे अगर बात करें 1 वीक का, सो 1 वीक में तो इसमें ऑलमोस्ट इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, तो 1 महीने का तो काफी अमेजिंग रिटर्न दिया है इसने। यहाँ पे देख सकते हो 247 यानी 250 रुपए का शेयर था इसका 1 महीने पहले, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 320 हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा हो जाता है। और 1 साल का देखोगे आप तो 1 साल का तो देख सकते हो 229 यानी 250% रिटर्न, यानी बहुत ही अमेजिंग रिटर्न हुआ है। और इसका आप देखोगे ग्राफ तो आपको ग्राफ समझ में आएगा कि ऊपर ही जा रहा है। सो एक अच्छा है, मतलब ग्रोथिंग कंपनी है। और बाकी चलिए मैं अभी आपको और भी दिखा देता हूँ इसका फंडामेंटल वगैरह। सो गाइस यहाँ पे फंडामेंटल की बात करें, सो कंपनी तो मार्केट कैपिटल बहुत छोटा है, बट यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नेटवर्थ पे नजर डालोगे तो यहाँ पे ईयरली बात कर लेते हैं। सो ईयरली देख सकते हो हर साल इसका इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा कंपनी का माना जाता है। अगर फाइनेंशियल अच्छी ग्रोथ कर रही है तो कंपनी का ऑलमोस्ट तीनों चीजें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नेटवर्थ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप तीनों जो प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट भी किस टाइप से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2020 में 37 था, सो यानी कई गुना प्रॉफिट इंक्रीज किया है कंपनी ने। तो इससे मायने होता है कि कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। सो आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गाइस मैं आपको बता दूं, इसका 1 साल पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसका बाय किया था। मैंने ऑलमोस्ट 116 117 रुपए पे बाय किया था 5 शेयर, और अभी जाके बेचा था, सो उसमें मुझे 70 से 80% का रिटर्न मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न हो जाता है। सो अभी भी यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी भी इसको बाय कर सकते हो, बट आपको एक बार रिसर्च कर लेना है। चलिए मैं अभी आपको दूसरी कंपनी भी दिखा देता हूँ जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, सो इसमें भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फिनोटेक्स कंपनी, सो केमिकल ये भी एक केमिकल कंपनी है। सो इसका भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 1 साल का इसका 145% दिया है, और 3 साल का आप देखोगे सो 345%, जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है। और अगर आप फंडामेंटल चेक करोगे तो इसका मार्केट जो मार्केट कैपिटल है जो कि है 1698 करोड़ कैपिटल, यानी 2000 के ऑलमोस्ट करीब ही है। और यहाँ पे आप ईयरली अगर इस पे फंडामेंटल फाइनेंशियल पोजिशन देखोगे तो इसका भी देख सकते हो हर साल किस टाइप में इंक्रीज हो रहा है, यानी जो कंपनी है बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। सो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कहीं ना कहीं। गाइस अगर आप एक कंपनी और ज्यादा ग्रोथ करती है, सो अभी तो ये
₹150 का है, लेकिन इसको 2015 तक पहुंचने में कुछ भी देर नहीं लगती, क्योंकि मैंने ऐसी दो चार कंपनी देखी, केमिकल कंपनी, जो आज 2000 के ऊपर भी पहुंच गई है। सो गाइस, इस वीडियो में मेरा सिर्फ आपको एक डायरेक्शन बताना था कि आप किस प्रकार ग्रो डीमेट अकाउंट के जरिए होल्डिंग कर सकते हो, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके आपका पता भी नहीं चलेगा कब आपका एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और आपको बहुत सारा रिटर्न मिल रहा है। सो एक फायदा रहता है शेयर मार्केट का, और बाकी मैं आपको बस यही दिखा रहा था कि ग्रो डीमेट अकाउंट एक बहुत ही अच्छा है होल्डिंग के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना है तो एकदम इजी टू यूज है और आप इसमें होल्डिंग कर सकते हो बिना कोई संकोच के। सो बस गाइस, आज के वीडियो यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक पार्ट टू होल्डिंग का वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस, अगर आप कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा। सो बस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।